जय हिंद साथियों, आज हम अपनी आगामी लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में जो हमारी कक्षाएं चल रही थी संविधान की, उसमें हम आज अपने नए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा अपनी पिछली कक्षाओं में, जिसमें हमने चर्चा की थी नीति निदेशक सिद्धांत, के बारे में। और जैसा कि हमने चर्चा किया था कि नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। एक बात आती है कि नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार, इनमें अंतर क्या है। आइए हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, फिर हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। दो खंडों में हम अपने बोर्ड को बांट देते हैं ऐसे करके, जिसमें एक तरफ कर दें मौलिक अधिकार और एक तरफ नीति निदेशक सिद्धांत। एक तरफ हमने कर दिया मौलिक अधिकार और एक तरफ नीति निदेशक सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत में जो अंतर है वो ये है। पहला, मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। नीति निदेशक सिद्धांत को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। अब दूसरा, नीति मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। जबकि नीति निदेशक सिद्धांत के पीछे राजनीतिक मान्यता है। एक ये बात हो गई कि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत के पीछे राजनैतिक मान्यता है। और एक अगली बात, अगली तीसरी बात, कि तीसरी बात में जो मौलिक अधिकार है यह नागरिकों को जन्म लेने के पश्चात स्वतः प्राप्त हो जाता है।
मौलिक अधिकार नागरिकों को जन्म लेने के पश्चात स्वतः प्राप्त हो जाता है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत नागरिकों को राज्य द्वारा लागू करने पर प्राप्त होता है। नागरिकों को राज्य द्वारा लागू करने पर प्राप्त होता है। ये मोटी मोटी बातें हैं मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत में अंतर क्या है, इसके विषय में हम आइए चर्चा कर लेते हैं एक एक करके कि मौलिक जो अधिकार है इसके पीछे कानूनी मान्यता है, जबकि जो नीति निदेशक सिद्धांत है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, जहां पे मौलिक अधिकार से कोई नागरिक वंचित है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय मामले का संज्ञान लेकर मौलिक अधिकार को लागू करवाती है। अर्थात मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। तो किसके द्वारा लागू किया जाता है? राज्य द्वारा। और एक और बात है कि मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक को, मौलिक अधिकार नागरिकों को जन्म लेने के पश्चात स्वतः प्राप्त हो जाता है। कोई व्यक्ति जो भारत के भूभाग में जन्म लिया है उसे भारत के संविधान द्वारा जो प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार हैं उसे जन्म लेते ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जबकि जो नीति निदेशक सिद्धांत है वह नागरिकों को तब प्राप्त होता है जब नीति निदेशक सिद्धांत को राज्य द्वारा राज्य में लागू किया जाता है। यह तो बातें हैं मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत के संबंध में। मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया था, जबकि नीति निदेशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ये इतनी बातें आप पहले से जानते हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ, और जिसका आप सभी को भी इंतजार होगा कि अब नए टॉपिक शुरू किए जाएं और उस पर चर्चाएं हो। हमारा जो नया टॉपिक होगा वह होगा संघीय कार्यपालिका। भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह होगा संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, यह साथियों हमारा अगला टॉपिक होगा संघीय कार्यपालिका। इसके अंतर्गत संघीय कार्यपालिका में साथियों हम अपनी राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और देखते हैं हमारे जो संघीय, जो हमारा संघीय ढांचा है उसे कौन कौन से संवैधानिक जो पद हैं उसे संचालित करते हैं, कौन कौन से संवैधानिक पद जो है इसमें कार्यरत हैं या कार्य करते हैं, जो संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, संवैधानिक पदों में जिनकी नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, संवैधानिक पदों पर जो पद ग्रहण करते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है और वो त्यागपत्र किसको देते हैं,
करीब करीब जो हम संघीय कार्यपालिका में अपने संघीय ढांचे को हम देखेंगे, उसमें हमारे आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा 2021 के संदर्भ में हम ये चर्चा करेंगे कि जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, देश के महान्यायवादी, राज्य के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, इन सबके बारे में हमको करीब 4-5 बातें मोटा मोटा सबके बारे में पढ़ना है। और जो पढ़ना है वो पहली बात की नियुक्ति, नियुक्ति कार्यकाल, शपथ, त्याग पत्र, और शक्तियां। जितने भी संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पदों के संबंध में हमें अपने आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के संदर्भ में नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ ग्रहण की उनको शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र अर्थात वो त्यागपत्र किसको देते हैं, और शक्तियां मतलब जो संवैधानिक पद हैं उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, सारे संवैधानिक पदों के बारे में हमें मोटा मोटा यही 4-5 जो टॉपिक है इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं संघीय कार्यपालिका जो हमारी है, उस संघीय कार्यपालिका के का जो सर्वोच्च पद है उसके बारे में, और जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साथियों, राष्ट्रपति जो हमारा ये विषय है संघीय कार्यपालिका के तहत, राष्ट्रपति के पद के बारे में आप पहले से बहुत सारी जानकारी रखते हैं। आइए हम राष्ट्रपति के बारे में अब शुरू करते हैं। पहली चीज, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये चीजें आप पहले से जानते हैं। आइए हम देखते हैं अगली बात। इसमें दूसरी चीज, राष्ट्रपति ही, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके साथ ही राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है या सर्वे सर्वा। या संविधान का प्रमुख, पहला सबसे मुख्य व्यक्ति। संविधान का प्रमुखता, ये बातें जो है आप पहले से जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है एवं देश का संवैधानिक प्रधान होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है।
इसको स्टेटमेंट थोड़ा सा हम और सुधार के लिखते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ये चीजें राष्ट्रपति के बारे में हम पहले से जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो देश के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्रपति जी ही देश के संवैधानिक प्रधान भी हैं। यह जो बातें हैं यह अनुच्छेद 52 के तहत कही गई हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। अनुच्छेद 52 के तहत कि राष्ट्रपति जो है वह देश का प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। और साथियों अनुच्छेद 53 में एक बात और कही गई है, हम जरा सा राष्ट्रपति जी के संबंध में हम जरा सा उसकी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका शक्ति है, 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति वह किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है, संसदीय व्यवस्था है, अतः जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वह प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रियों में निहित होती है। जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वह प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रियों में निहित होती है। चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है, अतः जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका की शक्ति का वाहक है, या नाम मात्र की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि वास्तविक शक्ति जो है वह प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रियों में निहित होती है, कार्यपालिका की शक्ति। साथियों अब चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता के, कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, या किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है, चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, साथियों राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसके संबंध में जो पहली बात है वह यह है कि
उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता में पहली बात तो ये हो गई, वह दूसरी बात ये है कि वह अर्थात वह का मतलब वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का योग्य हो या जिसके अंदर राष्ट्रपति पद की योग्यता होनी चाहिए। पहली बात तो हो गई कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसमें एक और बात है, वह यह है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तीसरी बात में कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि पद ग्रहण करते समय, पद ग्रहण मीन्स राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते समय, पद ग्रहण करते समय किसी लाभ के पद पर ना हो, ये चार जो महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में, वो यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी बात वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और चौथी बात है कि पद ग्रहण करते समय, राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते समय वह किसी लाभ के पद पर ना हो, पद ग्रहण करते समय वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये चार बातें हैं राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में, कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और पद ग्रहण करते समय किसी लाभ के पद पर ना हो। ये चार बातें हो गई राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में, और यहां जो चौथी बात है पद ग्रहण करते समय किसी लाभ के पद पर ना हो, उसमें एक बात है, इसको नोट करना होगा, इसको आप
नोट करके कॉपी में लिखेंगे, यदि पद ग्रहण करते समय वह अर्थात वह मतलब कौन राष्ट्रपति, यदि पद ग्रहण करते समय वह किसी राज्य का राज्यपाल है या कोई संघीय संघ का मंत्री है, यदि पद ग्रहण करते समय वह किसी राज्य का राज्यपाल है या कोई मंत्री है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है या उपराष्ट्रपति है, तो इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। चौथी बात जो राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में है वो ये है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय किसी लाभ के पद पर ना हो, लेकिन यदि राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय किसी राज्य का राज्यपाल है या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है, कोई मंत्री है या भारत का उपराष्ट्रपति है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति यदि पद ग्रहण करते समय इन पदों पर आसीन है तो इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा, इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये बातें हो गई भारत के राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। ये बातें अभी तक हमने चर्चा की राष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में, और अब हम अपनी अगली बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। साथियों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह समानुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन राष्ट्रपति का किया जाता है। यह तो बात हुई कि किस तरीके से किया जाता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन निर्वाचन में शामिल होते हैं। लोकसभा,
राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, इसमें शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राज्य के जो विधानसभा है उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। और अब दिल्ली और पुदुचेरी वाले, पांडिचेरी जिसको कहते थे, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। इसको नोट करके कॉपी में लिखना है ताकि आपके दिमाग में बना रहे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, और इसमें जो दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य हैं, अब वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें एक अन्य बातें और हैं, वो ये हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पचास सदस्य जो है पचास सदस्य प्रस्तावक, पचास सदस्य प्रस्तावक व पचास सदस्य अनुमोदक होते हैं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। यह बात हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कि राज्य उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक बात और नोट करके रखनी है कि जैसे अमेरिका है, यूएसए, उसमें एक व्यक्ति सिर्फ दो ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है। जैसे बराक ओबामा दो बार सिर्फ राष्ट्रपति थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे
चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसे नोट करके रखना होगा, दिमाग में बैठाना होगा, और इसे आप में से बहुत लोग जानते भी हैं। अमेरिका के संविधान में है कि एक व्यक्ति दो कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, जबकि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है, अर्थात वह कितने भी कार्यकाल, चाहे जितने कार्यकाल भारत का राष्ट्रपति रह सकता है, जितने कार्यकाल के लिए वह जितना ज्यादा वो निर्वाचन उसका होगा, जैसे दो कार्यकाल तीन कार्यकाल के लिए तो राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, वहां एक व्यक्ति सिर्फ दो बार अपने देश का राष्ट्रपति रह सकता है। जैसे बराक ओबामा के संबंध में आप जानते होंगे कि वह 2008 से 2012 तक एक कार्यकाल और 2012 से 2016 तक दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जबकि भारत में कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे वह भारत का राष्ट्रपति रह सकता है। यह बातें हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। अब हम अपनी अगली कक्षा में अनुच्छेद 35 से शुरू करेंगे, अनुच्छेद 55 की चर्चा करेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति के शपथ, त्यागपत्र और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप राष्ट्रपति के बारे में, उसके निर्वाचन के बारे में जो बातें बतलाई गई हैं उनको आप एक नोट्स बनाएं, उनको आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन पेपर के प्रारूप को देखते रहें, समझते रहें। ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आप अपने टीचर्स से या अपनी जो भी कोचिंग क्लासेस हैं उनकी मदद लेते रहें। यदि इस वीडियो में आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, राष्ट्रपति शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके शपथ ग्रहण तथा त्यागपत्र को लेकर। तब तक साथियों नमस्कार, जय हिंद।